आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा सामने आई। परिणीति चोपड़ा की शादी की डेट, कपल इन दिनों लेंगे साथ फेरे। हिंदी फिल्मों के एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और पॉलिटिशियन राघव चड्ढा ने जब से अपने रिलेशन ऑफिशियल किया है, तब से ये जोड़ी टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। दोनों में लंबे समय तक अपने रिलेशन पर चुप्पी साधी थी। इंगेजमेंट होने पर इन्होंने अपने रिलेशन को दुनिया के सामने रखा। अब फैंस को इंतजार है इस खूबसूरत जोड़ी की शादी का। इसी बीच खबर आ रही है कि परिणीति और राघव की शादी की डेट फाइनल हो गई है। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने इस साल 13 को सगाई की थी। कपल ने नई दिल्ली के कपूरथला हाउस में सगाई की रस्में पूरी की थी। इनके फंक्शन में बॉलीवुड एक्टर्स प्रियंका चोपड़ा सहित कुछ अन्य नामी लोगों ने भी शिरकत की थी। सगाई के बाद परिणीति के फैंस उन्हें जल्द से जल्द राघव की दुल्हनिया पर देखने के इंतजार में हैं। लगता है उनका इंतजार पूरा होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों इसी साल 25 सितंबर को शादी के बंधन में बंध जाएंगे। हालांकि ऑफिशियल तौर पर वेडिंग डेट को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार शादी के करीब 10 दिन पहले ये कपल सभी तरह की तैयारियां शुरू कर देगा। वहीं उनकी शादी काफ़ी ग्रैंड तरीके से होगी। शादी में परिवार के लोगों के अलावा खास दोस्त और बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर राजनीति जगत के लोग शामिल हो सकते हैं। इस बीच ये भी खबरें आ रही है कि परिणीति चोपड़ा राघव चड्ढा राजस्थान में शादी कर सकते हैं। उनकी कुछ तस्वीरें सामने आने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका की तरह परिणीति भी शाही अंदाज में शादी करेंगी। परिणीति और राघव एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते हैं। बताया जाता है कि कपल ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में साथ में पढ़ाई की है। हालांकि तब ये रिलेशन में नहीं थे। इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई फिल्म चमकीला के सेट से। तब राघव एक दोस्त के नाते एक्टर से मिलने गए थे। इसके बाद इनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता चला गया। सालों डेटिंग करने के बाद कपल ने 13 मई को अपनी सगाई वाले दिन रिलेशन को ऑफिशियल तौर पर सबके सामने रखा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।